तो जैसे ही शादियों का सीजन स्टार्ट होता है या आता है कोई फेस्टिवल, तो हम सबसे पहले जाते हैं पार्लर, स्किन ब्राइटनिंग और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए। बट कभी कभी होता है कि इससे हमें साइड इफेक्ट हो जाता है या उसका निखार ज्यादा देर तक रहता भी नहीं है। आप ब्लीच लगा लीजिए या फेशियल लगा लीजिए, इसका निखार आपको बस कुछ ही हफ्तों तक रहेगा। तो अगर आपको निखार पूरे महीनों तक चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, अपनी स्किन निखरती हुई चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए हमेशा के लिए, तो आपको कुछ नेचुरल तरीका अपनाना है, कुछ घरेलू उपाय अपनाना है जिससे आपकी चेहरे में चार चांद लग जाएगा। हाय गाइस, वेलकम वही बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए घरेलू फेस पैक लेके आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी जो स्किन है इतनी ज्यादा ग्लो करेगी, आपका खोया हुआ निखार आपके पास वापस आ जाएगा और आपकी रंगत निखर जाएगी और एक अलग सा ही ग्लो नजर आएगा इस करवा चौथ या इस फेस्टिवल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि वो क्या है फेस पैक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1 चम्मच दही, और दही हमेशा फ्रेश लीजिएगा। उसके बाद हम ले लेंगे 1 चुटकी हल्दी। हल्दी ज्यादा यूज मत करिएगा क्योंकि हल्दी गर्म होता है, ये आपके फेस पे नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो थोड़ी सी हल्दी लेनी है, बस 1 चुटकी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये तैयार हो गया आपका होममेड फेस मास्क। बहुत ही अच्छा फेस मास्क है और इसका रिजल्ट ना आपको मतलब हैरान कर देगा। अगर आपके पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है या टैनिंग की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए रामबाण इलाज है। आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लो करेगी इसके यूज के बाद, और जो आपकी निखार जा चुकी है वो भी वापस आ जाएगी। तो इसको हफ्ते में आपको बस 2 दिन लगाना है, कभी भी आप लगा लीजिए। हफ्ते में 2 बार यूज करना है इस फेस पैक को और 1 महीने के अंदर रिजल्ट आपके सामने नजर आएगा। तो अच्छे से हम इसे अपने फेस पे और नेक पे लगा लेंगे और मसाज कर लेंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अब मेरा सूख गया है पैक। अब इसे मैं गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। आपको इसे पानी से धो लेना है। ध्यान रखिएगा फेस वॉश का यूज नहीं करना है, नॉर्मल पानी से इसको आप अपने चेहरे को धो लीजिए। कभी भी फेस पैक लगाने के बाद आप फेस वॉश यूज मत करिएगा, हमेशा नॉर्मल पानी से ही धोइएगा। और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी स्किन लग रही है, देखिए कितना ग्लो कर रहा है मेरा चेहरा। आपको 1 महीने में रिजल्ट नजर आएगा। वैसे भी अभी करवा चौथ आ रहा है, दीपावली आ रही है, फेस्टिवल आ रहे हैं, शादियों का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो ये फेस पैक आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ही अच्छा फेस पैक है और इसमें कुछ भी ज्यादा लगा नहीं है। दही आपके घर में हमेशा रहता है, हल्दी आपके घर में हमेशा रहता है, बहुत ही सिंपल है और 5 मिनट में ये फेस पैक तैयार हो जाएगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा फेस पैक है। तो जब घरेलू उपाय से हमारी त्वचा इतनी निखर रही है तो हम पार्लर जाके अपने पैसे क्यों वेस्ट करें? तो इसलिए आपको ये उपाय जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही अच्छा फेस पैक है। एक बार आप जरूर ट्राई करिए, असर आपके सामने दिखेगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। आप लोग मुझे सजेस्ट करिए मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।